वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे बाबा जीवन सिंह जी और भाई जैता जी दे पिछोकड़ जन्म ब्याह ते शहीदी बारे। सब तो पहला पूरे सिख जगत नूं अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी दे जन्म दिहाड़े दीआं लख लख वधाईआं होवन। इतिहासकारां मुताबक सिक्खी विच रंगरेटियां दा प्रवेश पूर्वज भाई कल्याणा जी तो होया। गुरु के बेटे करतार दे करता भाई जसवंत सिंह जी अनुसार जदों श्री गुरु नानक देव साहिब जी दा मिलाप बाबा बुड्ढा जी नाल होया तां उस वेले बाबा बुड्ढा जी नाल भाई कल्याणा जी भी सन। भाई कल्याणा जी भी पूर्ण गुरसिख सन। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी पासों सिक्खी की दात प्राप्त करके गुरमत के पंथ ते चलदिआं अंतिम सवासां तक गुरु बख्शी सिक्खी नूं बड़े प्यार ते परपक्ता नाल निभाया। पहले पातशाह तो लैके छेवें पातशाह तक अनन सेवा कीती। जदों पंजवें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने श्री हरिमंदर साहब जी की सेवा शुरू की ता भाई कल्याणा जी भी इस सेवा विच परिवार समेत शामिल होए। तवारीख गुरु खालसा अनुसार जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर नूं रवाना होए तो उस समय गुरु घर का प्रबंध बाबा बुड्ढा जी समेत जिन्हां पंज गुरसिखां नूं गुरु साहब जी सौंप के गए सन उन्हां विचों इक भाई कल्याणा जी भी सन। जदों भाई कल्याणा जी शरीरक रूप करके संसार दे विचों चले गए तो उन्हां दे परिवार की जिम्मेवारी उन्हां दे होनहार पुत्र भाई सुखभान जी ते आ पई ते भाई सुखभान जी ने यह जिम्मेवारी बड़े प्यार ते सुहिरदता दे नाल निभाई जिथे उन्होंने संगीत गंधर्व तानसेन तो बाद दुनिया दे विच प्रसिद्धि हासिल की उत्थे भाई सुखभान जी ने बचपन विच मिली गुरसिखी की गुरती सदका गृहस्थी जीवन दीआं लोड़ां पूरीआं करन दे नाल नाल श्री गुरु अंगद देव साहब जी तो लैके श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी तक गुरु घर दे विच अणथक सेवा ते सिमरन दी घाल कमाई कीती। सुभाअ दे विच अत दी निमरता होण करके भाई सुखभान जी दी संगता दे विच बहुत प्रसिद्धि सी। कीर्तन दी महारत हासिल करन आउंदियां संगतां लई भाई सुखभान जी ने अपने पूजनिक पिता कल्याणा जी दी याद विच राय सीना विखे कल्याण आश्रम स्थापित कीता जो कि बाद विच भाई कल्याण दी धर्मशाला वजो प्रसिद्ध होया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी वल्लों जारी हुक्मनामे विच भी भाई कल्याण दी धर्मशाला दा जिक्र आउंदा है। भाई सुखभान जी दे सपुत्र भाई जसभान जी ने भी अपने पिता जी पासों सिक्ख्या प्राप्त करके प्रसिद्ध विद्वान संगीत आचार्य अते कीर्तनी वजो नामना खट्टे। भाई जसभान जी ने श्री गुरु अर्जन देव साहब जी तो लैके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी तक गुरु घर की सेवा की। भाई जसभान जी ने अपने अकाल चलाने तो पहला अपने सपुत्र भाई आग्या राम जी कल्याणे की धर्मशाला की सेवा संभाल की जिम्मेवारी सौंप दी। भाई आग्या राम जी ने भी अपने पिता वांग ही संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सुनाउण ते सिखाउण की जिम्मेवारी बड़ी श्रद्धा ते प्रेम भावना नाल निभाया। भाई जसभान जी दे दूसरे सपुत्र भाई सदानंद जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण में रह के सेवा करते सन। नगर रमदास तो भाई सदानंद जी अपने बड़े भ्राता भाई आग्या राम जी पासों संगीत विद्या अते कीर्तन की विद्या प्राप्त करने लिए आउंदे जांदे रहिंदे सन। शाहजहां का दीवान पंडित शिव नारायण रायसीना पिंड विच ही रह रहा सी ते जिथे वो आप संगीत प्रेमी सी उत्थे ही उसकी लाडली सपुत्री बीबी लाजवंती संगीत नाल बहुत मोह रखती सी। भाई सदानंद जी गले के रसीले ते अपने पुरख्या वांग संगीत कला दे विच माहिर सन और एक दिन उन्होंने एक मन एक चित्त होकर कीर्तन करदियां नूं वेख के बीबी लाजवंती उन्हां ते मोहित हो गई। पंडित शिव नारायण जी नूं जदों इस गल का पता लग्या तां उन्होंने अपनी लाडली सपुत्री की झोली खुशियां नाल भरन लई उसका रिश्ता सदानंद जी नाल जोड़ दिता। पंडित शिव नारायण जी बहुत उच्ची सोच के मालक सन ते अपनी सपुत्री नूं बहुत प्यार करते सन पर कुछ जात अभिमानी ब्राह्मणा ने इस रिश्ते विच जात पत वाला रोड़ा अटका दिता ते पंडित शिव नारायण जी नूं डरा धमका के धमकियां दित्तियां कि उन्हां नूं समाज विच्चों छेक दिता जाएगा ते उधर बीबी राजवंती जी नूं इस गल का बहुत गहरा सदमा लग्या। पर जदों यह गल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पता लगी तां उन्हां ने पंडित शिव नारायण नूं समझाया ते उस नूं रिश्ता करन लई राजी कर लिया। तां पंडित शिव नारायण जी ने अपनी पुत्री बीबी राजवंती का रिश्ता भाई सदानंद जी नाल कर दिता। जो पंडित शिव नारायण जी ने अपनी पुत्री बीबी लाजवंती का ब्याह भाई सदानंद जी नाल कर दिता तो फिर जात अभिमानी ब्राह्मणा ने उन्हां दा समाज विच पूर्ण तौर पर रोटी बेटी की सांझ का बाइकाट कर दिता। इस गल तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी उन्होंने अपने नाल ही बाबे बकाले ले आए। भाई सदानंद जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बहुत लंबा समा सेवा की ते बीबी लाजवंती जी ने भी गुरु घर की इन्नी सेवा की कि माता गुजरी जी उन्होंने प्रेम नाल प्रेमो आख के बुलाते सन। जैनी निशान सिंह जी गंढी पिंड उन्होंने किताब शहीद भाई जीवन सिंह जी अनुसार
सन 1660 ईस्वी विच दूसरी धर्म प्रचार की फेरी दौरान श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के परिवार के नाल भाई सदानंद जी भी परिवार समेत हाजरी भर रहे सन। धर्म प्रचार करते करते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी काशी पुजे ते इत्थे कुछ समा प्रचार करन तो बाद बिहार की राजधानी पटना साहब विखे आप राजे। इत्थे ही भाई सदानंद जी के घर बीबी राजवंती जी के कुखों 5 सितंबर 1661 ईस्वी में भाई जैता जी का जन्म होया। भावें कि बाबा जीवन सिंह जी की जन्म तारीख में लैके बहुते इतिहासकारां विच मतभेद हैं, भाव कि सब ने वख वख लिखी है, पर आपां इतिहास नूं अगे तोरदे हाँ। आप जी का नाम जैता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रखिया। परमेश्वर की कृपा नाल जदों भाई जैता जी का जन्म होया तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और गुरु साहब जी के परिवार ने भाई सदानंद जी के बेड़े आईयां खुशियां नूं चार चन्न लाउंदिआं बहुत सारिया रीझां पूरियां कीतियां अते अकाल पुरख का शुकराना किया। माता नानकी जी अते माता गुजरी जी बालक भाई जैता जी नूं गोद विच लैके लाड़ लड़ाउंदे अते मूल मंत्र जाप दृढ़ करवाउंदे रहिंदे सन। कदे गुर इतिहास सुणाउंदे ते कदे जोधां जरनैलां दीआं कथावां सुणाउंदे सन। भाई जैता जी का बचपन बनारस अते पटने विच बीतिया। पटने विखे ही भाई जैता जी ने गुरबाणी गुरमुखी अते शस्त्र विद्या प्राप्त कीती। पंजाबी हिंदी अरबी संस्कृत अते फारसी भाषावां दा ज्ञान अते संगीत विद्या बाल गोविंद राय लई नियुक्त कीते अध्यापकां पासों ही प्राप्त कीती। गुरु साहिब जी दे नाल ही भाई सदानंद जी दा परिवार भी आनंदपुर साहिब विखे आ गया। जिस समय श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी धर्म की राखी करन लई दिल्ली लई रवाना होए तां उस समय भाई जैता जी भी गुरु साहिब जी की खबर लैण लई दिल्ली पहुंचे। जदों भाई जैता जी हुकूमत दीआं अखां विच कट्टा पा के श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन शीश आनंदपुर साहब लैके पहुंचे तो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भाई जैता जी की दलेरी और दृढ़ता देखद्या उन्होंने अपनी छाती नाल ला के कहा कि रंगरेटे गुरु के बेटे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आनंदपुर साहब विखे जिस वेले रणजीत नगारा बजाउण की परंपरा आरंभ की तो भाई जैता जी ने नगार जी नियुक्त किया। ज्ञानी निशान सिंह जी गंढी बिंड अनुसार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस वेले माता प्रेमू जी हाथ जोड़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के सन्मुख आ खलोते तो गुरु साहब जी ने कहा कि माता जी बच्चों अगे हाथ नहीं जोड़ी दे सगों बेझिझक जो तुहानू चाहिंदा है श्री गुरु नानक देव साहब जी के दर तो प्राप्त करो। तो माता जी ने कहा कि शहनशाह दे शहनशाहो तुसी सब कुछ दिता है पर इस वेले ये नैण भाई जैते की शादी नूं देखना तरसते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज प्रसन्न होए तो सिंघासन तो उठे माता प्रेमू जी ने गलवकड़ी च लैके कहन लगे माता जी जैता गुरु का बेटा है लो यदि शादी का प्रबंध हुणे कर दिंदे आ। गुरु साहब जी ने जुड़ी हुई संगत नूं कहा कि है तुहाडे विचों कोई ऐसा सिख जिहड़ा भाई जैता जी नाल अपनी पुत्री का नाता जोड़न लई तैयार होवे। गुरु साहब जी का वचन सुन के तुरंत ही भाई सुजान सिंह जी रियाड़ उठिया ते उन्हें भाई जैता जी का रिश्ता अपनी पुत्री नाल जोड़न लई बेनती की। सरबत संगतां ने जयकारे गजा दिते ते गुरु साहब जी की हजूरी विच ही भाई जैता जी की मंगनी बीबी राजकुमारी जी नाल हो गई। इत्थे ये भी दसना जरूरी है कि ज्ञानी निशान सिंह जी गंढी बिंड अनुसार कुछ विद्वान दसते हैं कि भाई सुजान सिंह जी रियाड़ जट सिख सी ते ओह पट्टी तो आके आनंदपुर साहब बसिया होया सी। उसने गुरमत के पंथ ते चलदिआं अपनी पुत्री का रिश्ता बाबा जीवन सिंह जी नाल जोड़ के जात पात वाला वहम दूर किया ते गुरु साहब जी उसकी सिखी तो बहुत खुश होए। भाई जैता जी का आनंद कार्ज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भरे दीवान विच बीबी राज कौर जी नाल करवाया। दसम पातशाह ने किला आनंदगढ़ साहब की उसारी समय किले के पछम वाली कंध के नाल ही भाई जैता जी की रहायश वास्ते एक बुंगा भी बनवाया। इतिहासकार शमशेर सिंह अशोक लिखते हैं कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने साहबजादों के नाल ही भाई जैता जी नूं अमृत छका के भाई जीवन सिंह नाम दे के अपना पंजवां साहबजादा होने का माण बख्शिया। माता राज कौर जी की कुखों 4 सपुत्रां ने जन्म लिया। इन्हां दे नाम भाई गुरदयाल सिंह जी भाई गुलजार सिंह जी भाई सुखा सिंह जी और भाई सेवा सिंह जी इतिहासकारां ने दस्सिया है। दसंबर 1704 जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया तां सरसा नदी पार करन समय बाबा जीवन सिंह जी ने जंगी कला दी जौहर विखाउंदे आ साहबजादा बाबा जीत सिंह जी नूं दुश्मन के बड़े घेरे विचों कढ के सरसा नदी नूं पार कराया सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल अपने जीवन के 29-30 वरे गुरु घर विच बिताउण वाले बाबा जीवन सिंह जी उर्फ भाई जैता जी ने चमकौर की जंग विच मुगल फौजां नाल जूझदिआं अपने आप नूं गुरु लेखे ला के शहीद होण दा उच्चा दर्जा प्राप्त किया।
किला आनंदगढ़ साहब की इमारत के पछमी बाही वल अज भी बाबा जीवन सिंह जी का पुरातन बुंगा मौजूद है। इस दी सेवा संभाल बाबा जीवन सिंह जी के खानदान विचों बाबा कृपाल सिंह जी के सपुत्र बाबा कीर्त सिंह जी कर रहे हैं। नागनी कटार कड़ा अते किरपान सुशोभित हैं। बेशक इस कुछ मिनट की वीडियो में बाबा जीवन सिंह जी बारे दसना बहुत औखा है, पर फिर भी साड़ी निमाणी जिही कोशिश नूं प्रवान करना जी। अगली वीडियो तुसी किस टॉपिक ते देखना चाहते हो सानू जरूर दस्यो, ते नाल ही जे तुहानू साड़ी वीडियो चंगी लगी तो लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर दिओ। साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते बैल आइकन जरूर दबा लेना। ते जे ये वीडियो तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तो इस वीडियो नूं लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करियो। इतिहास विचारदे आं हुण जां तमाम भुल्लां दी माफ़ी बख्शणा जी। मिलते हैं जल्द ही नवीं वीडियो विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।